मंत्रिमंडल विस्तार पर तेज हुई हलचल। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, 11 दिसंबर से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको बता रही हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब हलचल हिमाचल में तेज हो गई है। 11 दिसंबर से पहले विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का। हिमाचल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये खबर। मंत्रिमंडल विस्तार पर हलचल तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर से पहले विस्तार हो सकता है। और चलिए इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर से पहले विस्तार हो सकता है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है फिर से और हलचल तेज हो गई है। और सूत्र बता रहे हैं कि इस साल यानी जब इस सरकार को बनकर एक साल पूरे हो जाएंगे 11 दिसंबर को, उससे पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और को लेकर एक्सरसाइज हो चुकी है और सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री भी इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं, ऐसी हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और जो सरकार से जुड़े ही सीनियर मंत्री हैं उनकी तरफ से इस तरह की बात जो है वो कही गई है। उन्होंने कहा कि मेरी भी बात इस तरह की हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और इसमें चर्चाएं यही है कि 11 दिसंबर से पहले पहले हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 3 मंत्रियों के अभी पद खाली चल रहे हैं, लेकिन ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि 3 पद जो है वो ना भरे जाएं और 2 पद जो है भरे, क्योंकि अभी भी कुछ जगह मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में कशमकश है और उसमें जोर आजमाइश जो है हम कह सकते हैं कि वो चल रही है। अपने स्तर पर पार्टी हाईकमान से लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो मंत्री बनने हैं वो कौन मंत्री बनेंगे, क्योंकि चर्चाएं बहुत सारे मंत्रियों को लेकर हुई है। पहले चर्चाओं में राजेश त्रिमाणी का नाम, बिलासपुर से उनका नाम भी चलता रहा, अभी भी वो उनका प्रबल दावा है और उनके साथ साथ राजेंद्र राणा है, लेकिन वो क्योंकि मुख्यमंत्री के जिला से आते हैं तो ऐसे में उनके दावा जो है वहां पर थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हाईकमान के करीब माने जाते हैं। तो फिर हो सकता है कि कोई भी निर्णय इस तरह का हो। और अगर बात कांगड़ा की करें तो कांगड़ा इस वक्त एक ही मंत्री यहाँ से है, चौधरी चंद्र कुमार, और यहाँ से अमूमन मंत्री ज्यादा हुआ करते हैं क्योंकि बड़ा जिला है और इस बार कांग्रेस को भी यहाँ पर लगभग 11 सीटें मिली हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन अच्छा मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ से भी कई मंत्री जो है मंत्री बनने के लिए उनके दावे चल रहे हैं, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री की भी सहमति होगी और पार्टी नेतृत्व की भी। धर्मशाला की बात करें, वहां से सुधीर शर्मा, उनके नामों को लेकर चर्चाएं पहले से ही चलती रही हैं, लेकिन क्या वो मंत्री बन पाएंगे ये अभी देखना होगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक मत ये है कि जो ये 3 मंत्री बनने हैं इसमें SC कोटे से भी मंत्री होना चाहिए, तो फिर अगर ऐसा हुआ तो कांगड़ा में ही किसी को जगह मिल सकती है, ऐसी भी सूचना है, या फिर जो CPS हैं उनमें से किसी को प्रमोट करना है, इस तरह की को लेकर भी चर्चाएं जो है वो चर्चाओं का दौर है। तो लेकिन इतनी जरूर है जो अभी तक जो पार्टी के और जो सरकार से विश्वस्त सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि 11 दिसंबर से पहले पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और इसका मन मुख्यमंत्री ने भी बना लिया है और पार्टी के नेतृत्व स्तर पर भी इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।